आज जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो काफ़ी स्पेशल है। ये गाड़ी काफ़ी पुरानी है और अपने टाइम की बहुत ही पॉपुलर गाड़ी होती थी। सो ये गाड़ी है पजेरो स्पोर्ट्स। इशू ऐसा है कि इस गाड़ी ने सालों का रफ़ यूज़ देखा है, तो अब गाड़ी पर बहुत सालों बाद एक्सट्रीमली हैवी स्वॉल मार्क्स आ चुके हैं। गाड़ी पर बहुत ज़्यादा कट्स है। ये जो ब्लैक कलर है ये कम्प्लीटली डल हो चुका है। नई गाड़ी पर पॉलिशिंग और कोटिंग करना यूजुअली इतना चैलेंजिंग नहीं होता है, तो जब हमारे पास ऐसी कोई पुरानी गाड़ी आती है जो बहुत रफ़ दिख रही हो तो उस पर काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। उसको जब हम रिस्टोर करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग ही लेवल का होता है। गाड़ी की हम आपको जो बिफ़ोर कंडीशन दिखा रहे हैं वो दो तरीके से दिखाने वाले हैं। एक अंडर ट्यूबलाइट्स, जहाँ पर आपको हेजीनेस सरफेस पे दिखेगी। दूसरा जो कंडीशन आप देख सक रहे हैं वो गाड़ी को फोकस लैम्प के अंदर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। फोकस लैम्प के नीचे गाड़ी पे जो हैवी स्वॉल मार्क्स हैं, सालों का जो पेंट का डैमेज है वो प्रॉपरली दिख के आता है। जब पेंट पे इतने हैवी निशान आ जाए तो पेंट को यूजुअली सैंडिंग करना ही पड़ता है, और ऐसी गाड़ी को पॉलिशिंग करने में भी नॉर्मल गाड़ियों से कभी कभी डबल ट्रिपल टाइम जाता है। इस गाड़ी के ओनर भी हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उन्हें भी थैंक्स करना चाहूँगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप इतनी दूर से हमारे पास स्पेशली ये काम कराने आए। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स कभी भी डल हों तो एक प्रोफेशनल डिटेलर से उसका इंस्पेक्शन ज़रूर कराएं। ऐसा हो सकता है कि बिना हेडलाइट रिप्लेस किए ही हेडलाइट को वापस से नया जैसा बनाया जा सके थ्रू हेडलाइट रिस्टोरेशन, जो आप इस गाड़ी के फाइनल शॉट्स पर भी रिजल्ट देखेंगे। अब बारी आती है गाड़ी के इंटीरियर क्लीनिंग की। सो इंटीरियर क्लीनिंग में हम गाड़ी का छत, सीट्स, डैशबोर्ड, दरवाजे, सारे कप होल्डर्स, पैनल्स, फ्लोर्स, कारपेट्स, डिक्की, मैट्स सब क्लीन करते हैं।
अभी हम आपको गाड़ी का बिफोर एंड आफ्टर दिखाने वाले हैं, जो कि हम साइड बाय साइड दिखाने वाले हैं, सो दैट आपको भी एक आइडिया आए कि गाड़ी का पहले और आफ्टर की कंडीशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। पॉलिशिंग में पेंट के ऊपर से बाक्स स्क्रैचेस निकाले जा सकते हैं। ये याद रखिए, अगर गाड़ी पर पेंट ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी को रीपेंट ही करना पड़ेगा। जहाँ पर पत्थर लगने की वजह से पेंट चिप हो जाता है या जहाँ पर क्लियर कोट के थ्रू स्क्रैच चला जाता है, उन डीप स्क्रैचेस को या कट्स को नहीं रिमूव किया जा सकता। इस गाड़ी पर चार लड़कों ने ऑलमोस्ट 20 घंटे काम किया है। इस गाड़ी को रिस्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत गई। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट।